तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किए हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। मेरे पास इनका दो प्रोडक्ट है, एक ट्रिम प्रोटीन बार एंड ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 फिश ऑयल। दोनों ही प्रोडक्ट आपके सेहत और शरीर के लिए काफी शानदार प्रोडक्ट है। एक्सट्रीम प्रोटीन बार में आपको 20 ग्राम प्रोटीन के साथ 4 ग्राम फाइबर एक ही पैक में मिल जाता है। 360 ग्राम के इस कॉम्बो पैक में आपको 6 बार मिलते हैं, जिसमें 3 चोको ब्लिस और 3 चोको क्रैनबेरी होते हैं। यह बार 100% प्योर वेजिटेरियन है, जिसमें नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, नो एडेड शुगर की खासियत मौजूद है। ओमेगा 3 फिश ऑयल अमेरिकन हर्ट एसोसिएशन द्वारा रिकमेंडेड। इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका हर्ट हेल्दी होता है। यह प्रोडक्ट आपके बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी और ज्वाइंट को मेंटेन करने के साथ ब्रेन हेल्दी बनाता है और आई भी हेल्दी बनाता है। दोस्तों, मैंने दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी और चेक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसे मेरे लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक वीडियो वायरल करने के YouTube के 4 फंडे हैं। सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन, दूसरा होम पेज, तीसरा सर्च बार और चौथा सजेशन। दोस्तों, यहां पर 4 सिस्टम से YouTube वीडियो को वायरल करती है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन सिस्टम अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे। तो जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो वो सिस्टम आपके लिए वहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप नया YouTube चैनल बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो को अपलोड कराने का 3 तरीका है। तो यहाँ पर शुरुआत क्या करता है YouTube, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो इस वीडियो को क्या करता है, जो लोग YouTube के पुराने मेंबर हैं, व्यूअर हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, उनके पास वो वीडियो को होम पेज पे दिखाता है। अब उनके द्वारा चुना जाता है कि वीडियो देखा जाएगा कि नहीं देखा है। जिस तरीके से वो लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपकी वीडियो पसंद आती है, व्यूज जाता है और सब्सक्राइबर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है, यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट करता है, पहली बार उसको सर्च बार में लाएगा। आप कभी ध्यान दिए होंगे तो वहां पर दिखा होगा नो व्यू और सर्च बार में सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर ये चीजें हैं, यूट्यूब आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो पोस्टर बना रखा है, थंबनेल बना रखा है, कितना क्लिकेबल है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना लोग उस पर देख रहे हैं। तो जितना ये थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, अब थंबनेल अट्रैक्टिव हुआ, अगर आपका वीडियो उस लायक है और पोस्टर भी अट्रैक्टिव है, तो यो वीडियो क्या करेगी, कुछ दिन बाद सजेस्ट में जाना शुरू हो जाएगी। अब सजेस्ट में जाएगी तो वीडियो पर मिलियन व्यू जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका रिटेंशन कितना है और सजेस्ट पर कैसे गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर आपका रिटेंशन ज्यादा है तो किसी हाई रिटेंशन वाले वीडियो के नीचे सजेस्ट करेगा, और हाई रिटेंशन वाले वीडियो के नीचे सजेस्ट करने का मतलब हाई रिटेंशन मतलब ज्यादा व्यू, और ज्यादा व्यू के नीचे अगर आपका वीडियो सजेस्ट कर रहा है तो आपके वीडियो पर नॉर्मली ज्यादा व्यूज आएंगे। तो ये हो गए नए यूट्यूबर के किस तरीके से वीडियो पहली वीडियो को यूट्यूब वायरल कराता है। अब नोटिफिकेशन पे क्या सिस्टम होता है, अगर आपके पास सब्सक्राइबर है तो नोटिफिकेशन जाएगा, सब्सक्राइबर देखेंगे वीडियो, जितनी ज्यादा लंबे टाइम तक देखेंगे मतलब जितना रिटेंशन उसका रहेगा। अब रिटेंशन कैसे बढ़ता है, लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट करना, ये 3 चीजें आपकी रिटेंशन बढ़ाती हैं। चैनल का सब्सक्राइब कोई मैटर नहीं है, अगर ये 3 चीजें होती हैं तो आपके वीडियो का रिटेंशन बढ़ता है। YouTube क्या करता है, उसे सबसे पहले होम पेज पे दिखाना शुरू करता है। अब होम पेज पे दिखाना शुरू करेगा तो आपके पोस्टर पर निर्भर करेगा कि कितना लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। अब उस पर क्लिक करेंगे जब लोग, तो वहां पर क्या होगा, जितना लंबा रिटेंशन होगा उतना लंबा रिटेंशन वाले वीडियो पे आपकी वीडियो सजेस्ट करने लगेगी। मतलब लंबा रिटेंशन, ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज वाले वीडियो पे अगर आपकी वीडियो सजेस्ट की तो आपके भी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, और ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा सब्सक्राइबर आते हैं। और सीधा सीधा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जब आपका वीडियो होम पेज पे जाता है उसी समय आपका वीडियो सर्च बार में भी जाता है, चाहे आपका रिटेंशन कम हो या फिर ज्यादा हो। अब क्या होगा, यूट्यूब अगर आपका वीडियो सर्च बार में ले गया है, सबसे ऊपर दिखा रहा है, तो अगर उसका रिटेंशन ज्यादा है तो सबसे ऊपर रहेगा। अगर उसको वीडियो को लोग सर्च करके आपके वीडियो पर क्लिक करें, रिटेंशन धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, तो आपका वीडियो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वीडियो वहां पर डेट कर जाएगी अगर आपका रिटेंशन सही नहीं होता। तो सीधा सीधा फंडा है, यूट्यूब सीधा सीधा रिटेंशन पे काम करता है। तो आप कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिसका सबसे पहले आप ध्यान दें पोस्टर पे, कि लोग पोस्टर पे क्लिक करें, उसके बाद से अंदर जो चीज आप पोस्टर पे बताएं वही चीज आप अंदर बताएंगे और वही चीज लोग देखने जाएंगे, तो आपकी वीडियो ज्यादा लंबे समय तक देखेंगे। और यहाँ तक हो सकता है कि आपकी वीडियो लास्ट तक देखें और लोगों को पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर भी करें। तो ऐसा अगर वीडियो बनाएंगे तो ऐसे वीडियो पर रिटेंशन बहुत ज्यादा जाता है और ऐसी वीडियो ज्यादा वायरल होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा क्लिकेबल पोस्टर बना दिया, मतलब क्लिक बेट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब आपको उस पर कोई ब्लेम करेगा नहीं, आपकी वीडियो खुद ब खुद रिटेंशन के कारण डेड हो जाएगी, कुछ ही देर चलेगी, उसके बाद से डेड हो जाएगी वीडियो, सीधा सीधा मतलब चलना बंद हो जाएगी। तो ये कुछ YouTube का कुछ रूल और रेगुलेशन है जो आपको मैं बहुत ही कम बातों बताया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं पूरी डिटेल्स में इसको बता सकता हूँ आपको। ऐसे कुछ स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।